गुरुग्राम की ओर रुख करते हैं तो सीए को चाकू मारकर किया गया है घायल। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर निवासी रामजी लाल पर यह हमला हुआ है। चार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। गुरुग्राम के झाड़सा में ये पूरी वारदात देखने को भी मिली है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर निवासी रामजी लाल पर यह हमला किया गया। गुरुग्राम के झाड़सा की ये पूरी वारदात है। चार युवकों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है तो सीए को चाकू मारकर घायल किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, चार युवकों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। गुरुग्राम के झाड़सा इलाके की यह पूरी घटना। तो जयपुर निवासी रामजीलाल पर यह हमला किया गया, चाकू से वार किया गया उनपे और पूरी तरीके से घायल करके बदमाश फरार हो गए। बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, चार युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, झाड़सा इलाके में सीए को चाकू मारकर घायल किया है। जयपुर निवासी रामजुलाल पर यह हमला किया गया और चार युवकों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर एक राधा कृष्ण मंदिर है, वहां पर कल देर शाम एक सीए और उसका दोस्त जो है अपने पीजी की ओर जा रहे थे, वहीं चार बदमाशों ने उन पर जो है हमला किया है और रोड से हमला किया है, पेट में चाकू से कई वार किए हैं। इसमें जो एक सीए है जो कि रामजी लाल यादव उनका नाम बताया जा रहा है, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, गुड़गांव के सेक्टर 32 में एक कंपनी में वो सीए हैं। तो फिलहाल वो निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और गुरुग्राम पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वहीं उसका जो दूसरा दोस्त है जो उसके साथ जो दोनों जो पीजी की ओर जा रहे थे, कपिल नाम है, वो फिलहाल उन बदमाशों के चंगुल से छूटकर जो है भाग गया था। फिलहाल गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए कि आखिरकार जो चार युवक हैं वो कौन है और या क्या। गुलशन, वजह क्या कुछ बताई जा रही है इस हमले के पीछे? पूरे मामले की जांच कर रही है। गुलशन, वजह क्या कुछ बताई जा रही है? फिलहाल आशंका क्या जताया जा रहा है? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो जो झाड़सा गाँव है, कहीं ना कहीं वो उसका एक पहले से ही काफी नाम रहा है कि यहाँ पे जो नामी बदमाश है वो इस गांव से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आशंका जरूर जताई जा रही है कि जिन बदमाशों ने ये हमला किया है, कहीं ना कहीं कोई अपनी जो सीए और जो उसका दोस्त था वो वहाँ से निकल रहे थे। वहाँ काफी लोग जो है वहाँ से निकलते हैं, लेकिन क्या लूट की वारदात को वो अंजाम देना चाहते थे। इन सभी पहलुओं पर जो है गुड़गांव पुलिस उस सीए से भी पूछताछ कर रही है जो कि अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है। जो उसका दोस्त है वो जो कपिल जो उनके चंगुल से भागा था, उससे भी आखिरकार जांच कर रही है कि वो लोग किस तरह की वेशभूषा में आए थे और आखिरकार रोड और उनके पास चाकू थे तो उनकी मंशा क्या थी, इन सभी पहले जांच की जा रही है। जी गुलशन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।